नियमितीकरण और संविदा नीति को खत्म करने की मांग को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल के छठवें दिन भी ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार की नींद खोलने के लिए यहां चौराहे पर थाली कटोरी बजाकर विरोध प्रदर्शन किया और मांगें पूरी न होने तक विरोध आंदोलन और अधिक तेज करने की चेतावनी भी दी। खास बात यह रही कि मध्य प्रदेश संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के इस आंदोलन को मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ और स्टेट फार्मेसी स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा अपना समर्थन दिया गया है। दोनों संगठनों के पदाधिकारी फूलबाग धरना स्थल पर पहुंचे और मध्य प्रदेश स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी की मांगों को उचित ठहराते हुए सरकार से संविदा कर्मियों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग भी की। आज आपने समर्थन दिया है संविदा कर्मचारियों को, इनकी मांग को लेकर क्या कहना चाहिए? जो समर्थन दिया है वो कोई अंशकालिक या आंशिक समर्थन नहीं है, पूर्ण समर्थन है। अगर ऐसी नौबत आएगी कि सरकार अपनी अधर्मिता पे ही रहेगी तो हम इनके साथ टोटल हेल्थ सर्विसेज बैंड कर देंगे, बंद कर देंगे, क्योंकि इनकी जो मांगे हैं वो निश्चित रूप से जायज़ हैं। दूसरे डिपार्टमेंट में 90% मिलने भी लगा है, इनके यहाँ वो भी नहीं मिल रहा। फिर स्वास्थ्य विभाग में इतने पद खाली हैं कि आज जो जितने जो यहाँ बैठे हुए हैं या जो भी उसी ज़िले में, बहुत कम लोग इधर से उधर जाएंगे, बाकी वहीं की वहीं समायोजन हो जाएंगे। इसलिए हम समर्थन भी दिया है और सरकार को पत्र भी लिखा है हमने, माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री को, कि इनकी पूरी न्यायोचित मांगों को मान लिया जाए। आपके द्वारा भी आंदोलन किया जाना है किस? हाँ, हमने कह दिया रहेंगे, क्या मांगे आपकी? हमारे द्वारा वो एक रेगुलर संवर्ग के अलग से आंदोलन है, वो दे रखा है और वो एक मोर्चा बना है। वो 6 तारीख को पहला उसका ज्ञापन है, फिर 20 तारीख को है, फिर 29 को है। लेकिन ये तो एक शोषण व्यवस्था है ना, अन्याय की व्यवस्था है, उसके विरुद्ध हम इनको सपोर्ट करने आए। आर्थिक सहयोग भी दिया गया आपके द्वारा? हाँ, आर्थिक सहयोग तो ये है कि 5,000 रुपये रणवीर सिंह से करवा। स्टेट फार्मासिस्ट एसोसिएशन, आज आप लोगों ने समर्थन दिया है संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को, तो क्या आपका कहना है सर? एक्चुअली ये जो नीति है संविदा नीति, पूर्णतः अन्यायपूर्ण नीति है, पूर्णतः शोषण वाली नीति है और हम चाहते हैं कि किसी भी तरह से इनका इनके साथ में शोषण न किया जाए, अन्यायपूर्ण व्यवहार न किया जाए, इनको रेगुलराइज की जाए। इवन 90% का जो वादा सरकार ने किया था वो भी अभी तक इनका पूर्ण नहीं किया गया है, तो वो 90% दिया जाए और उसके बाद इनको रेगुलराइज कर दिया जाए। तो मांगे अगर ये नहीं मानते हैं आप, अगर नहीं मानते हैं तो हमने पूर्ण समर्थन किया है, अगर मांगे नहीं मानती हैं तो हम इनके साथ खड़े मिलेंगे, पूर्ण रूप से काम बंद करेंगे।